नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में जश्न आजादी का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 75 मीटर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। भागलपुर में 25 बेंचों पर 2183 लंबित मामलों का हुआ निष्पादन। डीएम और एसएसपी ने ड्रेस रिहर्सल परेड का किया निरीक्षण। सैंडिस कंपाउंड का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। शहर में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने स्कूली वैन में मारी टक्कर, आधा दर्जन बच्चे हुए घायल। और 4 साल के प्रेम प्रसंग के बाद पुलिस की मदद से हुई शादी, लड़का कर रहा था टाल मटो। अब खबरें विस्तार से। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज से हर एक घर में जहां तिरंगा फहराया जा रहा है, वहीं कई जगहों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। इसी कड़ी में भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने यहाँ आकर तिरंगा यात्रा का मुआयना किया और कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल और पत्र भी सौंपा। सैंडिस कंपाउंड में बीजेपी नेता अजय शाश्वत चौबे, पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन और जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह सहित कहलगांव के बीजेपी विधायक पवन यादव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 75 फीट का लंबा तिरंगा के साथ साथ 75 स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में बच्चों को सजाकर यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा सैंडिस कंपाउंड से निकलकर खलीफाबाग चौक होते हुए लाजपत पार्क में समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में आम लोगों के साथ साथ कई स्कूल के स्टूडेंट्स और पार्टी से कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जयकारों से पूरा शहर गूंजता रहा। वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के संजय नार्वेकर ने बताया कि 75 स्वतंत्रता सेनानियों और 75 मीटर के तिरंगे के साथ निकाले गए यात्रा को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जबकि इस मौके पर जमुई के विधायक ने कहा कि भागलपुर पहले भी 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करा चुका है और आज 3री बार भी यहाँ के लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल कराया है। उन्होंने यात्रा में शामिल सभी लोगों को बधाई दी। शनिवार को सैंडिस कंपाउंड से लाजपत पार्क तक 75 मीटर तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस दौरान 75 स्वतंत्रता सेनानी बच्चे के रूप में साथ चल रहे थे। वहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के संजय नार्वेकर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा करते हुए कहा कि 75 मीटर तिरंगा यात्रा के साथ अभी तक कहीं भी 75 स्वतंत्रता सेनानी बच्चे के रूप में नहीं चले थे। उन्होंने कार्यक्रम के संरक्षक अजय शाश्वत चौबे को सर्टिफिकेट दिया। देखिए, आप सब लोगों के सामने सब कुछ हुआ है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भागलपुर का है। हम लोगों ने तो एक प्रयास किया था, एक अटेम्प्ट था, जो कि अभी आपने देखा कि ये पूरा हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की जो टीम यहाँ पर आई है, नार्वेकर जी और उनके सहयोगी, उनके द्वारा इसकी अभी विधिवत घोषणा हुई और फिर से भागलपुर 3री बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफल हुआ है। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके सामने बना है, इसमें मुख्य रूप से भारत का 75 मीटर का जो ध्वज है, आपने देखा किस प्रकार से फहराता हुआ पूरे शहर में ये घूमता हुआ आज यहाँ पर उपस्थित हो पाया। हम सब लोगों ने सम्मान के साथ उस ध्वज को यहाँ लाए और जनमानस का सपोर्ट मिला, बहुत सारे स्कूलों का सपोर्ट मिला, संगठनों का सपोर्ट मिला और 75 स्वतंत्रता सेनानी के भेष में आपने देखा कि जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पर आए थे, इस सब लोगों मिल करके और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में सफल हुए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव और देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर देश भर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर शनिवार को भागलपुर के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर से संस्थान के डायरेक्टर अरविंद चौबे के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के दौरान भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के करीब 400 छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों और गार्ड के अलावा कॉलेज परिसर के सदस्यों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भ्रमण किया। वहीं इसको लेकर कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर अरविंद चौबे ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं के साथ सभी देशवासियों को आजादी की वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा लगाने और लहराने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि प्रभात फेरी में तिरंगा लेकर देश और तिरंगे के सम्मान में नारा लगाया गया, जिससे सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस हर घर तिरंगा कार्यक्रम का महत्व जान सके। 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस डे के
जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूरे एक साल मनाया जा रहा है उसकी उपलक्ष्य में आज प्रभात फेरी ट्रिपल आईटी भागलपुर ने यहाँ पर 7:30 बजे से तय किया है और हम लोग अभी पूरे बाहर में घूम के आए हुए हैं। सभी छात्र और छात्राएँ इसमें पार्टिसिपेट की हैं और घर घर तिरंगा जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है लगाने का, और सभी हॉस्टल्स जितने फैकल्टी के घर हैं सभी लोगों को दिया गया है, सब अपने अपने घरों में तिरंगा लगा रहे हैं, लगाए हुए हैं। भागलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गौरव दिवस कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें देश की आज़ादी में अपना योगदान देने वाले महापुरुषों को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष परवेज जमाल ने किया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने महापुरुषों और तिरंगे के सम्मान में नारा लगाया। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और इस वर्षगांठ में उन तमाम शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी अपने मातृभूमि के लिए, उन पर उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं और उन्हीं के गौरव जो है, ये आज गौरव का दिन है कि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग जो है गौरव दिवस भी मना रहे हैं और तिरंगा जो है यात्रा निकाल रहे हैं। देश के न्यायालयों में दिन पर दिन बढ़ रहे मुकदमों और लंबित मामलों के बोझ को कम करने एवं वादियों को केस मुकदमों की लंबी प्रक्रिया से छुटकारा दिलाने के लिए नालसा दिल्ली और बिहार स्टेट विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसको लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समारोह पूर्वक हुआ। इसका उद्घाटन भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्र, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा समेत कई न्यायिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। भागलपुर डालसा के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिले में कुल 25 बेंच बनाए गए, जिसमें से भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में 18 बेंच, नवगछिया कोर्ट में 6 बेंच और कहलगांव कोर्ट के 1 बेंच पर न्यायिक पदाधिकारी और पक्षकारों की मौजूदगी में सुनवाई संपन्न हुई, जिसमें अलग अलग विभाग, आपराधिक पारिवारिक विवाद, बैंक बीमा, BSNL बिजली विभाग समेत कई तरह के लंबित मामलों और वादों की सुनवाई न्यायिक पदाधिकारी की मौजूदगी में संपन्न हुई। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान भागलपुर न्याय मंडल में कुल 2,183 लंबित मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया, जबकि 10,23,82,534 रुपए की राशि पर समझौता हुआ। इस दौरान मोटर दुर्घटना बीमा विवाद बाद के 26 वादों का निष्पादन हुआ, जिसमें 2,83,25,000 की राशि पर समझौता हुआ, जबकि 722 लंबित सुलहनीय आपराधिक मामलों का निष्पादन किया गया। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजकुमार चौधरी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशांत रंजन, SCGM प्रथम प्रवाल दत्ता, भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अलग अलग कोर्ट के ADJ, SCGM समेत कई न्यायिक पदाधिकारी और पैनल अधिवक्ता रमन करने के अलावा कोर्ट कर्मी अमित कुमार, तुलिका कुमारी समेत काफी संख्या में न्यायालय कर्मी एवं पक्षकार मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत है, पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाया जा रहा है। ये इस वर्ष का तीसरा लोक अदालत है और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें ये लोक अदालत का महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है, चूँकि अमृत महोत्सव में ये इसका अंतिम है। इसके बाद जो दिसंबर में होने वाला है, हम लोग का भागलपुर में से 18 बेंच बनाए गए हैं, आपके नौगछिया में 6 बेंच है, 1 बेंच कहलगांव में है, मतलब कुल 25 बेंच बनाए गए हैं। इसमें सभी तरह के फौजदारी मामले, सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाएगा, MSAT के मामले रहेंगे, बिजली का बिल रहेगा, आपका BSNL है, बैंक के मामले रहेंगे, इसके अलावा वेट मेजरमेंट है और जितने भी मामलों का हम लोग आज सुलह के आधार पर उसका निष्पादन करेंगे। हम लोग का प्रयास है कि हम लोग अधिक से अधिक मुकदमों का निपटारा करें, कोई भी आदमी जाने ना पाए। 15 अगस्त को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आयोजित होने वाली स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और SSP बाबूराम ने फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान DM और SSP ने दंगा निरोधी होमगार्ड और NCC के कैडेट की परेड का निरीक्षण करते हुए सलामी ली और समारोह स्थल पर ड्रेस रिहर्सल के दौरान तिरंगे का ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। वहीं इसके बाद DM और SSP ने देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर
आयोजित कार्यक्रम अमृत महोत्सव और मुख्य समारोह के दौरान कोई व्यवधान या त्रुटि ना रहे इसको लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। परेड का नेतृत्व DSP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह को लेकर ध्वजारोहण के लिए मंच के अलावा अतिथियों के बैठने की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, जबकि परेड के लिए बांस की बैरिकेडिंग की जा रही है। वहीं DM के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक ने अलग अलग विभाग के तमाम अधिकारियों को मुख्य समारोह के दौरान पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिए हैं, जिससे शांतिपूर्ण और उत्सव के माहौल में स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न कराया जा सके। बस परेड की फाइनल रिहर्सल हुई है, जिसमें हमारे दंगा निरोधी बल, जिला पुलिस, होमगार्ड, NCC के जवानों ने भाग लिया है और सभी ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा परेड का प्रदर्शन किया है। पूरी तैयारी है और पूरी उम्मीद है कि परसों के दिन बहुत ही अच्छी परेड यहां देखने को मिलेगी। भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण आए दिन सड़क दुर्घटना के मामले सामने आते रहते हैं और कई बार ऐसे हादसे में मासूमों या आम लोगों की जान भी चली जाती है। ताजा मामला भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत कैंप जेल के समीप का है, जहाँ शनिवार की सुबह 0 माइल की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर स्कूली बच्चों को ले जा रही ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण ऑटो सवार करीब आधा दर्जन छात्र छात्रा घायल हो गए। वहीं घायल बच्चों को तत्काल इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया, जहां 9वीं कक्षा के छात्रा श्रुति कुमारी और 8वीं कक्षा के छात्र आर्यन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी बच्चे माउंट SSC स्कूल के बताए जा रहे हैं, जबकि इस घटना में ट्रक की चपेट में आने से ऑटो के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद घटना स्थल और बच्चे के परिजनों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फिलहाल तिलकामांझी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नहीं है, लेकिन सुबह में जो है कि हम लोग घर पे ही थे तो टेलीफोन आया कि जो है कि एक्सीडेंट कर लिया टेम्पो। ड्राइवर से पूछे तो ड्राइवर बताया कि जो है कि ट्रक वाला आया, ट्रक वाला सीधा सीधे धक्का मारा, 4 बच्चा जो है कि इंजोर्ड हो गया है। जो है कि ट्रक वाला भाग गया, उसको पकड़ नहीं पाया। वहाँ से जो है कि सब टेम्पो वाला और पब्लिक वगैरह मिल के सब बच्चा को लाया, यहाँ एडमिट करवाया। यहाँ तो अभी देखे 4 बच्चा था यहाँ पे, टोटली 11 बच्चे टेम्पू पे 11 बच्चा था। भागलपुर के पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर में एक प्रेमी युगल की शादी पुलिस की मौजूदगी में कराई गई। दरअसल झारखंड के गोटा की रहने वाली आशा कुमारी और बांका के रजौन निवासी रविंद्र कुमार के बीच वर्ष 2018 से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन बाद में प्रेमी अपनी प्रेमिका से शादी करने से इनकार करने लगा। वहीं 2 दिन पूर्व युवती ने काफी जिद कर अपने प्रेमी को शादी करने के लिए भागलपुर बुलाया, लेकिन यहाँ युवक शादी करने से टालमटोल करता रहा, जिसके बाद लड़की और उसके परिजनों ने इसकी जानकारी शाक्षक थाने को दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाना बुलाया और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पुलिस की मौजूदगी में शुक्रवार की देर रात पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। वहीं विवाह संपन्न होने के बाद प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी बने विवाहित जोड़े के परिजनों ने भी इस शादी से खुशी जाहिर करते हुए आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को बधाई दी और खुशी खुशी वर वधू को आशीर्वाद देकर घर ले गए। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी D Pharma और B Pharma जैसे फार्मेसी कोर्स कर
एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवा कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुल्तानगंज प्रखंड के भिरकुट पंचायत में मवेशी चराने को लेकर हुए विवाद में युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान रंजीत सिंह के 18 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो घटना के वक्त मवेशी चराने के लिए माधोपुर वहियार गया हुआ था। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि मवेशी चराने के दौरान ही श्रवण का विवाद अग्नि शाह के पुत्र पंकज शाह से हो गया, जिसके बाद पंकज शाह ने श्रवण कुमार को सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद आसपास के लोगों द्वारा पंकज शाह को पकड़कर लाठी डंडे से पिटाई कर दी गई, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पंकज शाह को मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहां से फोन किया कि यहां मार हो गया, गोली चल गया। अच्छा, कहां पर? बिहार में। अच्छा, हम तुरंत यहां से चाय बना रहा था, चाय भी नहीं पिए दौड़ते हुए गए, तब वहां देखते इसको टांगते हुए आ रहा था। कौन सा मारा कुछ पता बता सकते? हाँ, अघानी साहू का बेटा पंकज नाम है सर। अच्छा, ये बताइए उससे पहले भी विवाद चल रहा? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं था। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के टिकलूगंज निवासी बबलू पासवान के 13 वर्षीय पुत्र नितेश कुमार उर्फ राजा के शुक्रवार को तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि घर में होने वाली विषहरी पूजा के बाद नितेश कलश का विसर्जन करने के लिए गांव के बाहर तालाब पर गया था, जहां डीजे की धुन पर नाचते झूमते काफी संख्या में ग्रामीण भी तालाब पर मौजूद थे। इसी दौरान नितेश तालाब में स्नान करने लगा और देखते ही देखते वह गहरे पानी में चला गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। हालांकि उस वक्त किसी को इसका पता नहीं चल सका, लेकिन काफी देर बाद भी जब नितेश घर नहीं लौटा तो उनके घर वालों ने काफी खोजबीन की। वहीं इसके बाद किसी ग्रामीण ने तालाब किनारे नितेश का कपड़ा देखकर इसकी जानकारी घर वालों को दी, जिसके बाद बच्चे के परिवार वाले तालाब के पास पहुंचे और ग्रामीण द्वारा तालाब में खोजबीन शुरू करने पर नितेश का शव बरामद हुआ। वहीं इसके बाद मामले की सूचना शिवनारायणपुर थाने को दी गई, जहां पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधा करती है, लेकिन बॉर्डर पर तैनात फौजी भाई की कलाई सूनी रह जाती है, जिसको लेकर भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी की महिला सदस्यों ने एक अच्छी पहल की। यहाँ की महिलाओं ने भूटान बॉर्डर पर जाकर फौजी भाइयों को राखी बांधी है। गौरतलब हो कि जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा लगातार 5 वर्षों से सरहद पर तैनात सैनिकों को राखी बांधने का कार्य किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार सिंह ने कहा कि बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के पास हमारी टीम को जाने में परेशानी तो होती है, लेकिन देश की रक्षा में अपनी जान न्योछावर करने वाले सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। डॉक्टर अजय ने बताया कि सोसाइटी की महिला सदस्यों ने भूटान बॉर्डर पर तैनात सैनिकों, भूटान गार्ड बॉर्डर आउटपोस्ट 34वें बटालियन एवं लिंबू धोरा पोस्ट के सैनिक भाइयों को राखी बांधी। खास बात यह रही कि महिलाओं ने इस बार खुद अपने हाथों से फौजी भाइयों के लिए राखी तैयार की थी। महिला प्रकोष्ठ की सचिव विनीता शाह समेत कई महिलाओं ने कहा कि सैनिक भाई जो अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें राखी बांधकर वे सभी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। जबकि बहनों से राखी बंधवाने के बाद बटालियन के जवान काफी खुश नजर आए। बटालियन इंचार्ज प्रवीण सिंह ने कहा कि हम लोग छुट्टी में अपने घर नहीं जा सके, लेकिन आप लोगों ने यहां आकर कमी पूरी कर दी। वहीं संस्था की मुहिम से प्रभावित बीएसएनएल के जनरल मैनेजर महेश कुमार भी टीम में शामिल होकर बॉर्डर तक गए। सैनिकों के साथ रक्षाबंधन में सोसाइटी के सचिव सोमेश यादव, कोषाध्यक्ष राकेश रजक, आभा पाठक, डॉक्टर स्नेह कृति सिंह, मितांशी ऋषि पाठक सहित कई लोग शामिल हुए। बस एक प्रतीकात्मक है कि हम लोग रक्षाबंधन में आपके बीच आते हैं और ये बहुत कठिन काज रहता है, खास करके महिला सदस्यों के लिए। और महिला सदस्यों के लिए मैं जोरदार तालियां का आयोजन करता हूँ, जो रक्षाबंधन में अपने भाई जो कहीं दूर से आने वाले होते हैं और वो मायूस होते हैं, लेकिन ये समझा बुझा कर उनको नहीं, हम लोग हर साल राखी बनाते हैं, लेकिन हम लोग का जो ये
ये त्योहार है, हम लोग सैनिकों के बीच हर साल जाएंगे और ये हम लोग ने अभी बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर अभी भूटान बॉर्डर और पाकिस्तान और चीन पांचों बॉर्डर हम लोग जब पूरा कर लेंगे तभी ये कारवां रुकेगा। यह एक प्रतीकात्मक है, सिर्फ प्रतीकात्मक है, सिर्फ प्यार दर्शाने का तरीका है। जीवन जागृति सोसाइटी से जितने आए हैं हमारे भाई हैं, सभी का मैं हार्दिक दिल से हम अपने सभी भाइयों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं आपको भी। और आपका जो विश्वास है हमारे ऊपर, जिस तरह आपका विश्वास है, हम आपके विश्वास पूरी तरह बरकरार रखेंगे और पूरे जान जोखिम में जो भी हो करना पड़े हम देश की सुरक्षा करेंगे और आप लोग की सुरक्षा करेंगे। बांका में छात्र की पिटाई करते शिक्षक का वायरल वीडियो सामने आया है। दरअसल मामला बांका के PBS कॉलेज का है, जहां गुरुवार को छात्रों ने जमकर बवाल काटा, जबकि छात्र के द्वारा आरोपी शिक्षक पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी की गई। बता दें कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में इन दिनों स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा चल रही है और PBS कॉलेज बांका में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहाँ DN सिंह कॉलेज भूसिया के छात्रों का सेंटर है। बताया जा रहा है कि DNS कॉलेज के पार्ट 2 का छात्र प्रसून कुमार मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर चला गया था और इसी बात से एक शिक्षक ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इसको लेकर छात्र ने बताया कि शिक्षक ने उसके मोबाइल को भी जमीन पर पटक दिया, जिससे मोबाइल का स्क्रीन टूट गया। हालांकि इस मामले पर जब कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। मेरा नाम प्रतून कुमार, मैं BA भागलपुर स्टूडेंट हूँ। मेरे से मैच जब एडमिट कार्ड पे नहीं लिखा होने के कारण मैंने मोबाइल लेते आ दिया, तल तो जैसे मोबाइल तब पता चला तल ने मोबाइल छीनते पटक दिया जमीन पे। जब उसके बाद मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में आते प्रिंसिपल को कंप्लेन किया, प्रिंसिपल और प्रभारी तभी बैठे हुए थे, तिथि ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, उल्टा मेरा एडमिट कार्ड छीनते मुझे तत्पल तल लेती धमकी दे रहा है। जो भी जो शिक्षक, उनका नाम क्या और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में जश्न आजादी का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 75 मीटर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, भागलपुर में 25 बेंचों पर 2,183 लंबित मामलों का हुआ निष्पादन। DM और SSP ने ड्रेस रिहर्सल परेड का किया निरीक्षण, सैंडिस कंपाउंड का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। शहर में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने स्कूली वैन में मारी टक्कर, आधा दर्जन बच्चे हुए घायल। और 4 साल के प्रेम प्रसंग के बाद पुलिस की मदद से हुई शादी, लड़का कर रहा था टाल मटोल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।